सारंगढ़ हाल ही में जिला बना हुआ है। सरकार ने नए जिले की सौगात दी है और इस जिले में दो विधानसभा सीटें हैं। दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है, यानी कि यहां की जनता ने झोली भर भर कर कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ है, ये जानना भी जरूरी हो गया है। स्थानीय विधायक है यहाँ पे उत्तरी गणपत जांगड़े, सीधे उनके पास चलते हैं। विधायक जी, आपसे जानना चाहूंगा, 4.5 साल का कार्यकाल आपका हो गया है, सरकार को अपने आप को आप पर कहां पर पाते हैं आप? क्या लगता है कि आपने जो विकास का वादा किया था जनता से चुनाव से पहले, कितने वादे पूरे हुए हैं, किन कामों को आपने प्राथमिकता से किया है? जी, सबसे पहले तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इतने लंबा समय से पुराना मांग जिला आज पूरा किए हैं। जिले के साथ साथ यहाँ बहुत सारे जो काम थी जिला के, अभी कन्या महाविद्यालय दिए, सभी अस्पताल दिए हैं, और किसानों से जो वादा किया था सब वादा पूरा किए हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। क्या मान लिया जाए, ये जो दावे किए जा रहे हैं विकास के, क्या कहेंगे 4.5 साल का कार्यकाल? आप भी तो पूर्व विधायक परिवार से रहे हैं ना, क्या लगता है? नहीं, माननीय विधायक जी हमारे जो बोल रही हैं बहुत सही बोल रही हैं कि माननीय भूपेश बघेल जी ने जो बीजेपी सरकार ने 15 साल में धोखा देते आया कि हमको सारंगढ़ में विधायक दीजिए मैं जिला दूंगा बोले थे, लेकिन उन्होंने जिला नहीं दिया। माननीय भूपेश बघेल जी ने अपना वादा पूरा किया और जिला का घोषणा किया, और उससे सारंगढ़ विधानसभा के साथ साथ बिलेगढ़ विधानसभा के लोग बहुत खुश हैं। क्या माने, विकास की बयार बह रही है क्षेत्र में? बिल्कुल बह रही है, विकास बिल्कुल बह रही है। जब से भूपेश बघेल जी आए हैं तब से बयार बह रही है। विपक्ष तैयार रहेंगे, आपके पास आऊंगा, विपक्ष तैयार रहेंगे। सूरज तिवारी जी क्या कहेंगे? बैठे रहिए, बैठे रहिए। देखिए, अब जिले के मुद्दे पे भी इनको ताली बजाने में शर्म आ रही है। ये लोग विकास के विरोधी हैं। भूपेश बघेल जी ने अपना वादा निभाया, उत्तरी जी ने अपना वादा निभाया कि मैं विधायक बनूंगी तो जिला बनाऊंगी। जिले के मुद्दे पे भी इनको ताली बजाने में इनको तकलीफ हो रही है, और कैसे विकास विरोधी हैं। हर मुद्दा, चाहे वो सारंगढ़ को जिला बनाने का हो, नया अभी कन्या महाविद्यालय प्रारंभ हुआ है, सारे पुल पुलिया जितने विकास कार्य, विरोध करना है, केवल विरोध करना है इनको। सवाल लेता हूँ, क्या विरोध की राजनीति चल रही है? भाजपा पर सीधा सीधा आरोप है कि विरोध की राजनीति कर रही है, आप लोग तो जिला बनने पर भी तालियां नहीं बजा रहे, सीधा आरोप है। हम सारंगढ़ जिला बनने का स्वागत करते हैं, लेकिन ऐसा जिला सारंगढ़ जिला में आज विकास की बहार बहनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार, दारू और सट्टा का बाजार चल रहा है। ये जिले में युवाओं को नशे के ऊपर ठगेला जा रहा है, और युवाओं की आज जो जनरेशन है जो आगे बढ़ जाना चाहिए था, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का जो वादा किए थे, ये बेरोजगारी भत्ता कहीं नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ जुलवा और जलवा है। स्थानीय समस्याओं को लेकर बात करते हैं, युवाओं से निवेदन है कि नारेबाजी ना करें,